मॉर्निंग गाइस, और सुबह सुबह बारिश हो रही है। कदे आ जा हर कदे रुक जा हर, जोर जोर तो होने लग जाए एकदम तय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और ब्लॉग की शुरुआत। और आज आओगी मेरी मम्मी पूरे 1.5 महीने बाद मान टापू तक। तो आँख ने इग्नोर करी हो थोड़ी सी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। और बारिश आने लग रही है, कदे आ जा हर कदे चली जा है। तो दूध दाद का कर ले एक बार, दूध होते हैं चुए पी ली है। और सीटी लागन लाग रही है, सीटी लागन लाग रही है। तो सोमवीर जी निकालेंगे इनकी मड़ाई, आज ये करेंगे मेरी मदद। हेलो जी, क्योंकि मेरी आँख में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द और दूध हो जाएंगे। उसमें रख रखे हैं नहीं, वो तो भर रहा मलाई का, तो और लेना पड़ेगा। काट दो, नीचे रख दूंगी ना, नीचे है जगह। और इसमें रख दिए हैं आलू उबलने। तरीतिकाती बनाऊंगी आलू के परांठे। उसने कल भी कुछ ना खाया। बर्तन बर्तन रसोई बिल्कुल क्लीन है। चाय वाय हमने पी ली है। तो दोनों भगोने रता दिए हैं गाइस। और दही भी डाल दी फ्रिज में। तो दही भी जमाई थी गाइस, वहाँ भी रख दी है फ्रिज में, वो भी नहीं देखा। पोहा बच गया था थोड़ा सा, कल थी होगी एक कोने ठाक। बढ़िया जम रही है। व्यक्ति देवे बार बार बारा सेकंड से आँख, तो मैंने एक तीन आनी देख गया था पहला, हूँ तो सेक लिए दो तीन ही, जब खत्म हो जाए। क्या बनाऊंगी? तो गाइस मैं बनाऊंगी रीति खाती परांठे आलू के। मैंने आलू उबाल लिए थे, इनमें नमक मिर्च और वो के था वो चाट मसाला डाल लिया। तो चलो उसका फास्ट खुल जा गया, कुछ नहीं खाती जी दिन बत्ती हो। तो इस मारे में चलो आलू के परांठे जन पसंद है, इसकी पसंद के बनाऊंगे और मेरे भी के बनेंगे। आज अन्नी और सोमवीर जी का फास्ट है, ट्यूसडे है। तो मैंने ये नुबड़ा बना कर दल लिए थे और मैं इन्हें बताऊंगी। रितिका इनमें तेल वो घी लगा लेगी, तेल घी जो भी लगाओगी सेकेगी, क्योंकि मेरे तो सेकर कौन है। धुआं धुआं सा हो जाएगा तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगी। सोमवीर जी नाल लाग रहे हैं और मेरा कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। दर्द बेसर था क्योंकि आज मेरी माँ आ गई 1.5 महीने बाद। माउंट आबू घूमने जा रही थी तो देखो शायद मम्मी दोनों भी जाओ। 2 hours later लेके आई। क्या लेके आई? मम्मी को ताई ने लिया है, देख ले है किटे जो मेरा भाई है। कित रहेगी मम्मी आ गई। हेलो मम्मी, ओम शांति। 1.5 महीने बाद की सारा यहाँ सफर बहुत सत्युग में पहुंच रही है। गर्मी नाम की थी तो राड गर्मी का मेरा पार्ट की गर्मी का मेरा पार्ट क्या दिल्ली का ना हो ना भाई, कितनी आग लागती आवे है। मम्मी सामान लेकर आई है तो इन खोल लगी। बैठा रहे बैठा रहे। इस मेरी मम्मी आ गई है मान टाबूत है। और देखो सबकी चप्पल लेकर आई, के लेकर आई, सारे बाण भाइया की चप्पल है ये, पापा की भी। और देखो यो ली आई है अपनी कोथली। ये है सीधा गाइज मेरी माँ का। अरे क्या का सीधा ली आई मम्मी? यो तीजा की कोथड़ी ली आई है मेरी माँ। इतना ही सारी चीज बांध रखी है और गिफ्ट भी मिल रहे हैं। ये बैग बुग और ये चप्पल बहुत सारी लेकर आ रही है सारी। और ये छल्ले भी, ये इतने सारे, ये सौगात मिली हैं। सौगात में मिली ना ये मम्मी ने सौगात में बैग मिले हैं बहुत सारे। और ये इतना सारा सामान और खाना भी है उसमें, पूरी है, सब्जी है ना। और ये सारी चीज खान पीन की, करेले की सब्जी, सूखी भिंडी, करेले, आलू, भिंडी, करेला, आलू,
तीनों चीज़ा की मिक्स सब्जी है या सूखे कती और पूरी वगैरह है। ये रोटी राटी सारी चीज़ है। ये मीठी रोटी के बोल रही ना कोकी, ये कोकी बहुत बढ़िया लगी ये भी खान में। ज़्यादातर सवालिया का आकर है, पर ये सवालिया की डाला तली ना जाती, सवाली तली जा है ना, तो ये परांठा की डाला सेकी जा है। मतलब तली ना जाती, मतलब कीमत है ये, क्योंकि मैंने देखी थी ये सेकी जा है। टमाटर टमाटर हुए 80 रुपये किलो, और ऊपर वो बूता पे है सरकारी, कदे की तड़ पर्सनल जाकर लड़न लाग जाओ बाजार में बाजार में 120 है ही। मम्मी को पता चलेगा अब रेट सब्जियों के, अब तक नहीं पता था, डेढ़ महीने तक डेढ़ महीने तक नहीं बेरा था। तिल्ला का तेल, नारियल तेल और साबुन, मतलब घर तक भी पियर तक भी बढ़िया है, सारी चीज मिल रहा उड़ा, सब कुछ कत्ती, मतलब टोटली जो भी अपना घर साए हो जाए उड़ा, कुछ भी लो, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहरो। मम्मी ने एक डेढ़ महीना जो कर गाजर का जूस फलाना सब कुछ मिल रहा उड़ा, सेवादारिया ने साबुन सुबुन सब कम दे रखा है, तेल तेल की मालिश वालिश करते ही, खान का कुछ भी खाओ छूट हो है, पेड़े वगैरह सारी चीज है। बाबा के घर में मौज है हर रोज है। ये ब्रेड भी है, दो पैकेट मीठा वीठा सब। हेलो गाइस, अन्नी अरबी आ गई, अरे मामा का नानी तो रहे, अभिषेक और कृतिका भी आ गई कीर्ति खाना आज आप पढ़न भी ना गई, सारे की बना गाइस आइसक्रीम खा लो, नाना दीदी आया खा लो, अपना बढ़िया मामा है, ले अपना बढ़िया मामा है, अपना बढ़िया मामा है। हम गाड़ी में गए थे मम्मा, गाड़ी लेके गया था गाड़ी कितना कमीन मारा, आया मामा की पैर ली पीछे लगा दी, राहुल की लगा दी, चलिए चलते हैं वापस घर अपने। बाय मम्मी, बाय आजा। हमने अपना सामान पैक करवा लिया है, घनी गर्मी आ रही है। बाय तो गाइस, हम घर आ गए हैं, शाम होगी, हनी स्कूल से आया है, यहाँ से स्कूल से हनी डायरेक्ट मामा के घर पहुंचा था है नी, नानी से मिलने, डेढ़ महीना बाद नानी से मिलके कैसा महसूस हो रहा है। गाइस घर आ गए हैं और ही कपड़ेंगे कपड़े वपड़े चेंज, और है ना इतने दिन तो इतनी दुखी हो रही थी, लालपन तो गया ना है, पर सर का दर्द ठीक हो गया गाइस, एक जाड़े में चौब का जाड़ा लगाया कर मारे उड़ा, मेरे चाचा की छोरी है वह हरतवा रही थी, तो चलो मेरा काम बन गया, तो भला उसका जो मेरी आंख, मेरा दर्द ठीक हो गया, आंख तो लाल है ही वे फिलहाल तो इतनी ना हुई, पर मेरा इतना दर्द नहीं हुआ आज कती भी, जितना कि मैं सुबह आज ना मैं बहुत घनी रोई एकदम, मगा मन ना मेरा मन मेरा दर्द हुआ है मेरा ठीक करो, तो चलो ठीक हो गया भगवान की दया। एक बार सुबह जाना है 7:30 बजे सी, एक बार फिर कल शाम में जाना 7:30 बजे सी, तो तीन जाड़े लगेंगे, तीन जाड़े में कती सही हो जाएगी, पर सब तो मेन बात है कि मेरा दर्द ठीक हो गया, तो चलो एक बार कपड़े वपड़े चेंज करो। गाइस डिनर आ गया है, टमाटर डाल के रीति काका और मैंने पी है ग्रीन टी, क्योंकि मैं घर मम्मी पूरी सब्जी ला रही थी वहां का भंडारे की, तो मैं वो खाया ही थी, और ये है रीति काका, हनी ने इस पे मारा, ओए हनी इतने सारी कब्जा Nice. चाहे मुंह में भी मत आई, ओ भगवान कसम, ए गई गई गई, कती गरम हनी ऑन द कैमरा, हनी हनी खाते हुए और वो भी आराम से बिल्कुल
लाइटली लाइटली अंदर ले गए और खत्म। तो गाइज मैंने रोटी भी बना दी है और दूध गर्म होने लग रहा है। बर्तन ये उठा कर रखूंगी, बर्तन बर्तन मैंने सब कर दिए हैं वहाँ तक साफ, तो ये उठा उठा कर रखने हैं। और सोमवीर जी लेकर आए थे चाय पत्ती क्योंकि खत्म हो रही थी, तो हम यह पिया करा टू डे टी की, तो इतना बड़ा डिब्बा आने लग गया इसकी गल, 5 किलो का दे थे 10 किलो का देने लग गए। घने दिन हो गए ना तो यह पी हुए, पहला 5 किलो का डिब्बा होता छोटा सा, 10 किलो का देने लग गया इतना बड़ा। और खाना वाना हो गया है, बस सोमवीर जी आने वाले हैं 2-4 मिनट के अंदर अंदर है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।